मुख्तलिफ जगहों पर हम इफ्तार भी करते हैं, शहर के प्रोग्राम भी होते हैं, शब्बेदारियां भी होती हैं और साथ साथ लोगों के इन मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद भी करते हैं। हर आदमी अपने अपने दायरे में काम कर रहा है तो अच्छी बात को तो कोई एतराज नहीं करता। हमारा इनके मैंने कहा ना मेहंदी लगाने पर भी एतराज नहीं है और अच्छी बात है पकौड़े तलने पर एतराज नहीं है। हमारा एतराज ये था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। तो ऐसा ना हो कि पैरों में मेहंदी लग जाए और सुई गैस का मसला हल ना हो, मर्दमशुमारी का मसला हल ना हो, कोटा सिस्टम का मसला हल ना हो और हमारा के इलेक्ट्रिक पे तो जो है ना वो बिल्कुल ही कोई भी नहीं आता सामने। नहीं नहीं मैं हाँ तो बस इसको सीधा होना मैंने चाहिए। तो कहा इसके लाइसेंस को रिन्यूअल होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गवर्नर जिंदाबाद। ये तो बहुत अच्छी बात है।